एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, एजेंट मतलब क्या? एजेंट मतलब क्या? एजेंट वर्ड का मतलब क्या समझते हो? छोड़ो, यहाँ पे हम अलग से दिखाते हैं। एजेंट मतलब क्या समझते हो? कौन होता है एजेंट? लाइक देखो, यहाँ तुम लोग देखा होगा टिकट एजेंट। टिकट एजेंट मतलब क्या होता है? एजेंट मतलब क्या कहते हैं? दलाल, है ना? तो टिकट एजेंट मतलब टिकट का दलाल। टिकट का दलाल मतलब टिकट दिलवाने वाला। टिकट दिलवाने वाला, ठीक है? टिकट जो दिलवाता है। लाइक टिकट नहीं मिलता है तो आजकल तो वो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है। टिकट दिलवाने वाला टिकट एजेंट कहते हैं ना, टिकट दलाल है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन दिलवाने वाला। चलो, इससे पहले यहाँ एक चीज देखो, हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है? ऑक्सीडेशन मतलब, सिर्फ हम पहला पॉइंट बताएंगे, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तुम लोग ये भी सोच रहे हो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? वो सब नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करो, इसको समझने के लिए एक पॉइंट पे फोकस करो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन। इसका एक कोड है। क्या कोड है? कोड है लाइक याद रखने के लिए OIL। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिग, ठीक है? नाउ पॉइंट यहाँ क्या है मेरा, बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। चलो देखो, मान लो मेरे पास सोडियम है, ठीक है? घूमते फिरते सोडियम आया, सोडियम इधर है, इधर से फिर दूसरे बिल्डिंग से घूमते फिरते क्लोरीन आई, ठीक है? इधर से सोडियम आया, उधर से क्लोरीन आई, ठीक है? करने क्या है, दोनों को स्टेबल होना है अपने अपने जिंदगी में, ठीक है? दोनों को स्टेबल होना है। इसके पास क्या है? इसके पास आउटर मोस्ट में 11 इलेक्ट्रॉन है। उसके पास क्या है? इसके पास आउटर मोस्ट में 7, ठीक है? आउटर मोस्ट में 7 है। इसके पास 1 है, उसके पास 7 है, स्टेबल होना है। इसके पास ऑलरेडी इनर वाले सेल में 8 है, ये क्या करेगा? लूज कर देगा, वो ऑक्टेट नियरेस्ट पहुंचना है, इजी रहेगा लूज। 7 है, 7 लूज करना इजी नहीं है, इससे अच्छा कि ये एक ले ले। तो ये यहाँ पे आके प्लस 1 हो गया। कौन सा? ये सोडियम का है, सोडियम आके यहाँ पे प्लस 1 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है? दिखा नहीं रहे, समझ गए, ठीक है? मतलब इस भाई साहब के साथ क्या हुआ? इस भाई साहब के साथ हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, इस भाई साहब के साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है? उस बहन जी के साथ क्या हुआ है? इस बहन जी के साथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब, इस भाई साहब के साथ हुआ है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। और इस बहन जी के साथ आपका हुआ है, आपका नहीं मतलब इस बहन जी के साथ रिडक्शन हो गया है, ठीक है? बहुत बढ़िया, यहां तक इजी। ऑक्सीडेशन इज लॉस। अब यहाँ मामला फंसता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? देखो, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ऑक्सीडाइज कराने वाला। देखो ध्यान से पहले इस चीज को समझना, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग मतलब दिख तो रहे ना, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग मतलब, यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग, वेट अ सेकेंड, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग मतलब, देखो ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइज कराने वाला, जो ऑक्सीडाइज करा दे। तो ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज मतलब होता है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइज मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यहाँ देखो पहले, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग मतलब होता है, रिड्यूसिंग मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कराने वाला, ठीक है? तो यहाँ पहले देखते हैं, चलो यहां तक क्लियर है। सोडियम के साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के साथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो रिडक्शन, ठीक है? यहां तक क्लियर है। चलो
तो यहाँ अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ कौन होगा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज कराने वाला मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने वाला। अच्छा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ किसका है, इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, करवाया कौन, अगर वो नहीं आती ठीक है, अगर क्लोरीन नहीं रहता क्या इसके साथ नुकसान होता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं था, लेकिन आया तभी तो उसके पास गया, मतलब ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका हुआ है ठीक है, ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज कराया कौन, इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कराया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है वो व्यक्ति जो इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराया है, मतलब ऑक्सीडाइज कौन कराया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने वाला कौन है इसका वो। बात समझ में आया, बात समझ में आया, क्लोरीन है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है। अब उसी तरह से इसका रिडक्शन हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या किया है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ठीक है, रिडक्शन हुआ है तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, तो क्लोरीन का कौन दिया एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का रिडक्शन कौन कराया है, कौन कराया है क्लोरीन का जो रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये आदमी, ये ना आता ना होता, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन रिड्यूस कराया ये व्यक्ति, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आया, सोडियम क्या है रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है, क्लियर है। और ऐसे तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हो कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो याद किए हुए रटे वटे हो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं, क्लियर रहा बात। तो ये था तुम्हारा बात ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। अब तुमसे क्वेश्चन आता है मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, यहाँ क्या दिख रहा है तुमको, ये मेटल है, मेटल्स का हमेशा लूज होता है, मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो यहाँ लिख देते हैं मेटल्स आर जनरली लिख रहे हैं, क्यों, केमिस्ट्री एक्सेप्शन कहीं ना कहीं आता है, लेकिन तुमसे पूछे तो मेटल्स आर जनरली सीधा रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है। अच्छा अब एक ट्रिक भी देख लो कि सर याद कैसे रखें एग्जाम में मेटल रिड्यूसिंग की नॉन मेटल रिड्यूसिंग, एमआर सुने हो ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ कोड बना लो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर हो गया, बाकी उधर कर लेना नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग। तो ये क्लोरीन, ये क्या हो गया क्लोरीन, हाँ ये मेटल्स है, ये क्लोरीन क्या है नॉन मेटल्स ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है बात। चलो ये रहा बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट पूरा को, ये थोड़ा मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया ना, बहुत ज्यादा किच-किच हो गया, किच-किच, अब ठीक है, यस दैट्स फाइन ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्टिविटी, समझा देते हैं थोड़ा, थैंक यू।